जय प्रभु। नमस्कार, मैं स्वस्थ हूँ। ईश्वर की असीम कृपा है। आप सभी भी अवश्य ही स्वस्थ होंगे। प्रभु के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखिए। आत्मविश्वास के साथ ही जीना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आज हम लोग साहित्य संचयन पुस्तक के रैदास के पद के अंतिम पद का अध्ययन करेंगे। इस पद में हम लोग महर्षि वाल्मीकि अजामिल, गणिका तथा कुंज के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी की संक्षेप में ही जीवन कथा जानेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार वाल्मीकि जी महर्षि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर अपने परिवार के पालन के लिए दूसरों का लूटपाट किया करते थे, अर्थात डाकू थे। ऐसा माना जाता है कि एक समय उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि आप यह लूटने का कार्य क्यों करते हैं। रत्नाकर ने उत्तर दिया कि परिवार के पालन पोषण के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। नारद मुनि के साथ रत्नाकर का कुछ देर वार्तालाप हुआ। तब नारद मुनि ने कहा, नारायण नारायण, आप जिस परिवार के लिए इतना घोर पाप कर्म कर रहे हैं, क्या वे आपके पापों का भागीदार बनने को तैयार हैं? अर्थात आपके द्वारा किए गए पाप कर्म करने का सजा भोगने को तैयार होंगे? रत्नाकर यह सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया और फिर उसने नारद मुनि कहीं चले ना जाएं ऐसा ही सोचकर नारद मुनि को पास ही किसी पेड़ से बांधा और अपने घर नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चला गया। वहां जब वह अपने घर गया और उन लोगों से प्रश्न किया, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि हमारा भरण पोषण तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे धन लाते हो यह तुम्हारे सोचने का विषय है। हम तुम्हारे पापों का हिस्सेदार नहीं बनेंगे। उनके परिवार के सभी सदस्यों के मुंह से यह शब्द सुनकर उन्हें बहुत ही निराशा हुई और उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। वह रत्नाकर तुरंत ही वापस लौटा और नारद मुनि को खोल दिया तथा रोते विलाप करते हुए उनके चरणों पर गिर गया। तब नारद मुनि ने सत्य के ज्ञान से उन्हें परिचित करवाया और परामर्श दिया कि वह राम के नाम का जाप करें, किंतु अपने किए गए भयंकर पापों के कारण रत्नाकर के मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा था। तब नारद मुनि ने सोच समझकर उनसे मरा मरा जपने को कहा। वाल्मीकि जी मरा मरा जपने लगे और थोड़ी देर बाद ही वाल्मीकि जी मरा मूल भूल कर राम राम का जाप करने लगे और
सभी बुरे कर्मों को त्याग दिया और ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान में मग्न रत्नाकर के शरीर को चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया। जब इनकी साधना पूर्ण हुई तो ये दीमकों के घर से बाहर निकले थे। चूंकि दीमकों के घर को वाल्मीकि कहा जाता है, जिसके कारण ये सभी वाल्मीकि के नाम से, जिसके कारण रत्नाकर भी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए। अब ये महर्षि वाल्मीकि कहलाने लगे, क्योंकि इन्होंने अपनी विख्यात रचना महाग्रंथ रामायण के सहारे प्रेम, तप, त्याग इत्यादि दर्शाते हुए हर मनुष्य को सद्भावना के पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया। यही कारण है कि हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शरद पूर्णिमा की तिथि पर ही महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस माना जाता है और इसी जन्म दिवस को देश भर में वाल्मीकि जयंती के नाम पर हर्ष उल्लास के साथ भी लोग मनाते हैं।